हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ माना। वेलकम टू मूवी शो। दोस्तों, जो लोग भी अपने पार्टनर्स के साथ परेशान थे वो ये वाली सीरीज जरूर देख ले, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कोई और इंसान अगर होता उनकी जिंदगी के अंदर तो शायद उनकी जिंदगी कितनी ज़्यादा खुशहाल होती। तो सोलमेट का जो कॉन्सेप्ट है उनके दिमाग में घरा हुआ होता है। और इसी तरीके के मुद्दे के ऊपर नेटफ्लिक्स ने एक सीरीज बनाई है, द वन। करीबन 8 एपिसोड हैं जिसके अंदर आप देखोगे और एथिकली इवेलुएट करोगे कि रेबेका वेब्स नाम की CEO है जिसने द वन ऐप को रेवोल्यूशनलाइज कर दिया है। और वो बताती है कि एक DNA मैच करके, मतलब एक बाल लेके DNA का टेस्ट करके वो सोलमेट आपको दिलवा देगी। तो ये जो कंपनी है एकदम, मतलब ऑब्वियसली सबको सोलमेट चाहिए, यही कॉन्सेप्ट होता है सबके दिमाग में, फटाफट से मतलब बुलंदियाँ छूती है और वो बहुत ही सक्सेसफुल हो जाती है। और उतनी ये चीज़ प्रूफ करने के लिए रेबेका बोलती है ये है इथन, इनसे मिलिए, ये भी DNA टाइप के मेरे हस्बैंड हैं जो मैच से निकले, तो लोग इनको बिलीव करते हैं और ये ऐप और आगे निकल जाती है। अब यहाँ तक तो दोस्तों ठीक है, ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आप देखना चाहोगे। बट इस पूरी सीरीज में द वन के अंदर एथिकल मुद्दों के अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी चल रही हैं। फॉर एग्जांपल, ये दिखाया जाता है कि जेम्स वाइटिंग, जो कि इस कंपनी का एक टाइम पे मेंबर था और रेबेका का फ्रेंड भी था, जिसने मिल के ये टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशनलाइज करी थी, वो भी ये कंपनी छोड़ देता है। तो वो छोड़ के क्यों चला गया है? पैरेलली हम देखते हैं कि एक स्केलेटन मिला है इन द बेड्स ऑफ थेम्स रिवर, तो वो कहाँ है और वो क्यों है और किसने निकाला है? और हम ये भी देखते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, तो इन्वेस्टिगेशन दो लेवल के ऊपर हो रही है। रिपोर्टर्स भी इस मुद्दे को रिपोर्ट कर रहे हैं और पैरेलली केट और निक जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं एज इंस्पेक्टर। और केट को भी कहीं ना कहीं इस ऐप से लगाव हो जाता है और वो हुकअप कर लेती है एक लड़की से जो कि स्पेन के अंदर है, उसको सोफिया है। अब सोफिया जो है साथ के साथ उससे मिलना चाहती है केट से, लेकिन कभी मिलती नहीं है। और वो एक और मुद्दा शुरू हो जाता है कि ये वो लड़की मिसिंग हुई कैसे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि रिपोर्टर्स भी पड़े हुए हैं इस मुद्दे के पीछे, तो हमें दिखता है मार्क जो इस मुद्दे को बहुत क्लोजली रिपोर्ट कर रहा है, स्केलेटन वाले मुद्दे को, वो रेबेका की कंपनी द वन की प्रोग्रेस को भी रिपोर्ट कर रहा है। और उसकी बहुत ही लवी डबी पार्टनर है हैना, जो कि ऑर्गेनिकली उससे मिली, दोनों बहुत ज़्यादा लव में है। बट कहीं ना कहीं हमें फिर दिखाई देता है कि हैना जो है द वन ऐप को देखती है और बोलती है यार ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को और भी कोई परफेक्ट पार्टनर मिल सकता है, और वो ल्योर हो जाती है इसके तरफ। और क्या वो अपना दूसरा पार्टनर ढूंढने की कोशिश करेगी और क्या मोरालिटीज इसके बीच में आएगी, वो हमें देखने को मिलता है। और अचानक से हम फ्लैशबैक के अंदर भी जाते हैं और हम देखते हैं कि बेन एक तीसरा फ्रेंड था रेबेका और जेम्स का, जिसने हेल्प करी थी ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी लाने के लिए, वो भी मिस हो जाता है। और लास्ट में एक सीन आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इस पूरी स्टोरी को झोल झाल में फंसा देता है। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर आप देखोगे मोरालिटीज़, इसके अंदर आप एथिकल वैल्यूज़ को भी इवेल्युएट करने निकलोगे और साथ मर्डर मिस्ट्री भी हो रही होगी और इतने सारे कैरेक्टर्स होंगे जो आपको बिल्कुल भी मतलब बोर नहीं करेंगे। तो ओवरऑल बेसिस पे दोस्तों मैं बोलूंगा कि ये करीबन B+ वाली टाइप की सीरीज है, जिसके अंदर बहुत कुछ हो रहा होगा, आपको हर कैरेक्टर को समझना पड़ेगा, उनकी स्टोरी को समझना पड़ेगा। डाउनसाइड ये है कि ये सारी स्टोरीज आपस में कोई बहुत ज्यादा लिंक्ड नहीं है, सिर्फ भरने के लिए भर दी गई है, इसलिए मैं इसको B1 दे रहा हूँ। अच्छी चीज ये होती है कि सारी स्टोरीज जो है आपस में अगर लिंक्ड होती किसी तरीके से, कुछ हद तक है बट मैं पूरा बताऊंगा नहीं, मजा किरकिरा हो जाएगा। अगर ये होता तो ये सीरीज बहुत ही बढ़िया बन सकती थी। बहरहाल ये वन टाइम वॉच तो पक्का है, तो आप देख सकते हैं। और ये आप नेटफ्लिक्स पे जाएंगे तो 8 एपिसोड हैं टोटल, आप आज वीकेंड के दिन पे इसको देख सकते हैं। तो सी यू सून अगेन विद अनदर रिव्यू वेरी वेरी सून। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन विद ऑल नोटिफिकेशन ऑन। सी यू, बाय।